दोस्तों, आप लोगों ने मेडिटेशन की दुनिया में एस्ट्रल ट्रैवल प्रोजेक्शन के बारे में तो सुना होगा, जिसे साइंस की दुनिया में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं, यानी कि अपने शरीर से बाहर निकलना। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ये एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस सही तरीके से नहीं किया जाए तो इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में क्या होता है और सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है। तो शुरू करते हैं। असल में आप लोग जिस शरीर को जानते हैं वह सिर्फ एक भौतिक शरीर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो एक एनर्जी के रूप में बाहर निकलता है, और उस एनर्जी से हम दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि दुनिया इतना ही एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया सिर्फ 3 डायमेंशन से ही बनी है, और इन डायमेंशन की दुनिया में आप एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव कर सकते हैं। असल में ऐसे बहुत सारे हायर डायमेंशन रियलम्स मौजूद है जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। शुरुआत में साइंस भी ये नहीं मानता था कि सिर्फ 3 ही डायमेंशन होते हैं, लेकिन इस दुनिया में क्वांटम फिजिक्स ने सबके सोचने के तरीके ही बदल दिए। क्योंकि दोस्तों, अगर 3 से अधिक डायमेंशन को खोजकर यदि हम देखते हैं, जो कि असल में हम देख रहे हैं, और इससे कई गुना ज़्यादा डायमेंशन इस दुनिया में मौजूद है और इनविजिबल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इन रियलम्स को क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हम सभी लॉक्ड हैं और अपने 5 इंद्रियों से हम सभी चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और साउंड को भी सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी फिजिकल बॉडी इन इंद्रियों में लॉक्ड है। लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर की कोई लिमिट नहीं है और वह किसी भी चीज़ से नहीं बंधा है, और हमारी आत्मा ऐसी ऐसी चीज़ों का अनुभव करती है जिसको हमारा भौतिक शरीर कभी नहीं कर सकता। और हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल करते समय आप जो चाहे वो कर सकते हैं, और हमारा सूक्ष्म शरीर पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है। यानी कि जब आप सोते हो तब सोने के बाद आपकी आत्मा किसी भी डायमेंशन के अंदर सेकंड्स में चली जाती है और पूरी दुनिया घूमकर वापस भी आ जाती है। इसलिए जब आप जागने वाले होते हैं तब आपको शरीर में एक झटका सा लगता है और अचानक उठ नहीं पाते, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा किसी और दुनिया में होती है। इसलिए आपको कोई भी उठाता है तब आप कभी भी एकदम से नहीं उठते, लेकिन आप थोड़े मिनट के बाद उठ जाते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल आप कैसे कर सकते हैं? एस्ट्रल ट्रैवल करने की बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन ये टेक्निक्स हर किसी के लिए काम नहीं करती, क्योंकि ये आपको खुद ढूंढना होगा कि कौन सी टेक्निक आपके लिए सही से काम करती है। और इन टेक्निक्स की बात करें तो ये टेक्निक्स मोस्ट ऑफ द पीपल्स पर काम करती है, लेकिन आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो इससे आपकी जान का खतरा भी हो सकता है। द हैमॉक टेक्निक, यह एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है जिससे आप आउट ऑफ बॉडी का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले लेट जाना है, और लेटते समय आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपनी सांस पर फोकस करना होगा। अब जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों की तरफ अट्रैक्ट होगा, वैसे ही आपके दिमाग के थॉट्स कम हो जाएंगे और आपका दिमाग शांत हो जाएगा। और याद रहे, इस समय आपको अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। अब यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। जैसे जैसे आपके मन के विचार कम होते जाएंगे और आपका शरीर सोने लगेगा, तब आपको अपने शरीर को सोने देना है और अपने दिमाग को जगाए रखना है। और हाँ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तभी संभव होता है जब आपका शरीर सो रहा हो और दिमाग जगा हुआ हो। साइंटिफिक भाषा में बोलो तो आपके मन की सभी एक्टिविटीज़ कम होती है, और फिर ऐसी अवस्था में हमारा दिमाग स्लीप मोड में जाने लगता है, और बस यही वह समय होता है जब आपको अपने दिमाग को जगाए रखना है। हालांकि ये शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी एक्सरसाइज के बाद ये सब अपने आप ही होने लगता है। एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव, जैसे ही आप अपनी बॉडी से बाहर निकलोगे तो सबसे पहले आपको अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगेगी, और ये आवाज़ें दूसरे रियलम्स की आवाज़ें होती हैं। और एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम फ्रेम की बात करें तो ये 10 से 15 मिनट में हो जाता है। जब आप बॉडी के लेवल पर सो जाओगे लेकिन माइंड के लेवल पर आप एक्टिव रहोगे, तब आप आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस कर पाओगे। उसके बाद मिनिमम 5 मिनट तक एस्ट्रल ट्रैवल कर ही लोगे। और हाँ, लाखों लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया है, और एस्ट्रल ट्रैवल के समय लोगों ने टाइम डिलेशन का अनुभव भी किया है। और क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल के समय टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा होता है, लेकिन असल दुनिया में सिर्फ 5 मिनट ही बीते होते हैं, और इन 5 मिनट के अंदर आपका शरीर सोया रहता है और आपकी आत्मा पूरी दुनिया का सफ़र कर चुकी होती है। और एस्ट्रल ट्रैवल में समय का चूर चूर हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि समय जैसा असल में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। और क्या आप लोगों को रात के समय सपने आते हैं? लेकिन बहुत सारे लोगों को सपने ही नहीं आते। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें सपने आते हैं, तो यार आप बहुत लकी हो, क्योंकि सपने कुछ और नहीं बल्कि एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस ही होते हैं। हालांकि विज्ञान इन चीज़ों को अभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के चलते और हमारी एचपीफैक्ट की टीम आगे भी आपके लिए ऐसे टॉपिक पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहेगी, और ये सब आपके सामने लेकर आती रहेगी।
और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम सोते क्यों हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। बस इसकी कुछ थ्योरीज हैं। वैज्ञानिकों के अनएक्सप्लेन चीज़ों में स्लीप ऐसी चीज़ है जिसे वे अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। एक्चुअल में सपना ही एस्ट्रल ट्रैवल होता है, मतलब आप जो सपने में देखते हैं वह किसी डायमेंशन से कम नहीं होता। और हाँ, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एस्ट्रल ट्रैवल लाखों लोगों ने एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट किया है, और इसमें कई लोगों को ये सिर्फ दिमाग का इल्यूजन होता है, लेकिन ये रियलिटी है। और एस्ट्रल ट्रैवल पर अभी भी रिसर्च चल रही है जिसमें वैज्ञानिकों को कुछ चीज़ें समझना बाकी है। अगर एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस की बात करें तो आप इस दुनिया के अलावा किसी और दुनिया में भी घूम सकते हो, और एक्चुअल में हम जो सोच रहे होते हैं वह मल्टी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं घटित हो रहा होता है। अगर आपने इन्फिनिटी वॉर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थानोस को हराने के लिए करोड़ों पॉसिबल मल्टी यूनिवर्स को देखा था, जहाँ जीतने की पॉसिबिलिटी थी, और उन सभी मल्टी यूनिवर्स में सिर्फ एक ही ऐसा मल्टी यूनिवर्स होता है जहाँ वे थानोस से जीतते हैं। और इस मूवी के अंदर एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।